जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फिजिकल को लेकर काफ़ी सारे सवाल जो है आते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और उन्हीं सवालों में से जो इम्पोर्टेंट तीन महत्वपूर्ण सवाल है उन सवालों के आंसर्स इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार जो है भर्ती में जा रहे हैं और इन सब चीज़ें के बारे में जो है नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिकल से जुड़ी समझाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी काफ़ी कुछ आप लोग भी जानते हो और काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ कमेंट अभी यह है कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो कब होगा, ठीक है। फिजिकल कब तक जो है, किस मंथ में होगा, कब तक हो जाएगा, कितने दिन जो है यहाँ पर फिजिकल जो है चलने वाले हैं, ठीक है, कितने दिन चलते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है फिजिकल कहाँ होगा, ठीक है। कहाँ होगा का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड जो है ग्राउंड पर होगा या फिर रोड पर दौड़ाया जाएगा, ठीक है। जो ट्रैक होगा वो किस तरीके का होगा यहाँ पर, और ग्राउंड में जो है दौड़ाने से क्या बेनिफिट है, और अगर हम बात करते हैं रोड पर दौड़ाने में, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग अलग हैं। कितने लड़के जो है एक साथ दौड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आर्मी भर्ती की अगर हम बात करते हैं थोड़ा अलग होता है, और अगर हम जीडी भर्ती की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा अलग होता है। तो सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और एक फिजिकल सेंटर्स, ठीक है, फिजिकल सेंटर्स कहाँ आप लोगों के जो है देने वाला है, दौड़ कहाँ होगी, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर देख लीजिएगा, मिल जाएगा। मैंने पूरे सेंटर्स बता दिए किस स्टेट में कौन कौन से सेंटर्स रहने वाले हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि आप लोगों का जो फिजिकल है, ठीक है, वो कब होगा, ठीक है, फिजिकल कब होगा, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मई तक आप लोगों का जो है फिजिकल नहीं होगा, ठीक है, मई तक आप लोगों का फिजिकल नहीं होगा। ये आप लोगों का फिजिकल जून में होने की पूरी संभावना है, ठीक है, जून माह में आप लोगों का फिजिकल होने की पूरी संभावना यहां पर रहने वाली है। क्योंकि यहां पर देखिए अभी आप लोगों का रिजल्ट आया है, सारी चीजें अब सिस्टमेटिक तरीके से इसके बाद जो है एक एजेंसी हायर करेगी एसएससी, क्योंकि एसएससी जो है आप लोगों का फिजिकल नहीं करवाती है, याद रखिएगा। वो चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ, आईटीबीपी हो, कोई भी एक जो है फोर्स को यहाँ पर जो है करने के लिए जो है हायर करती है, तो ये चीज़ें थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप लोगों का जो फिजिकल है वो जून में होगा, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिजिकल कहाँ होगा, ठीक है, मतलब कहाँ होगा से अर्थ ये है कि आप लोगों का जो है रोड पर दौड़ाया जाता है या फिर जो है जो 5 किलोमीटर की जो दौड़ होगी वो आप लोगों की ग्राउंड में होगी, ठीक है, गोल ग्राउंड जो रहता है आप लोग जहाँ पर जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मैं यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि काफ़ी सारे जो सेंटर्स है, ठीक है, काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को जो है रोड पर ही दौड़ाया जाता है, ठीक है, रोड पर ही जो है दौड़ाया जाता है। याद रखिएगा मैक्सिमम जो आप लोगों का फिजिकल होता है वो जो हाईवे रोड होती है या फिर जो है डामरीकरण जो रोड होती है उसमें जो है दौड़ाया जाता है 5 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 2.5 किलोमीटर आप लोगों का जो है जाने के लिए जो है रखा जाता है, और उसी 2.5 किलोमीटर में आप लोगों को वापस आना होता है। ऐसा करके 5 किलोमीटर की जो रेस होती है आप लोगों की वो 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है, याद रखिएगा 24 मिनट में ही कंप्लीट करनी होती है, और बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा कि आप लोग जो है 25 मिनट में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अंदर ले लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि आप लोगों को पूरे 24 मिनट नहीं मिल रहे, पूरे 24 मिनट जो है यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और ये मैक्सिमम जो एग्ज़ाम सेंटर या फिजिकल सेंटर है उसमें आप लोगों की जो दौड़ है, जो आप लोगों का ट्रैक होता है उसी पर जो है होती है, जो कि डामरीकरण रोड पर, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को अनएकेडमी के बारे में देना चाहूँगा। अनएकेडमी इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और अभी इस पे जो है अनएकेडमी कॉम्बैक चल रहा है जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस जो है अवेलेबल होते हैं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करके अच्छी रैंक लाते हैं, ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा अनएकेडमी कॉम्बैक को। ये आप लोगों का 24 तारीख को होगा, ठीक है, 24 अप्रैल को होने वाला है, और मेरा कोड यूज़ कर सकते हो सुपर10, तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनएकेडमी पर, है ना, तो यहाँ से आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं और पूरी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग होगी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्राउंड की, ठीक है, ग्राउंड में अगर आप लोगों को दौड़ाया जाता है तो कम बच्चे को दौड़ाया जाएगा, अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 80 से लेकर 100 बच्चे दौड़ाए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का फिजिकल जो है रोड पर होता है, ठीक है, रोड पर अगर होता है तो यहाँ पर आपके 200 से लेकर 250 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और ग्राउंड की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वहाँ की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें यहाँ पर होती है, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना
है आप लोगों का जो है 200 से 250 बच्चे जो है यहाँ पर रहते हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है। और मैक्सिमम जो दौड़ होती है वो आप लोगों की रोड के ऊपर यहाँ पर कंडक्ट होती है, ठीक है। और आपके कोई डाउट है फिजिकल को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।